सोहबत और गुस्ले जनाबत। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान गुस्ले जनाबत का एक मसला जेरे बहस आया। एक ग्रोह कहता था कि गुस्ल सिर्फ दुखूल पे फर्ज हो जाता है, इंजाल शर्त नहीं, यानी वाटर डिस्चार्ज जो है वो जरूरी नहीं। दूसरा ग्रोह बयान करता था कि वजूब गुस्ल के लिए दुखूल के साथ इंजाल भी शर्त है। ये तवील मुबाहसा किसी फैसला कुन सूरत पर मुंतज न हुआ। आखिर करार पाया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया जाए। हजरत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलसा बैना शुअबिहल अरबा व मस्सल खितानुल खिताना फ़क़द वजबल गुस्ल। जब मर्द औरत की चार शाहों के दरमियान बैठ जाए और उसका महल खतना औरत के महल खतना के साथ मस करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो मसला ये साबित हुआ कि सिर्फ दुखूल पर ही मर्द और औरत जुनबी हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल यानी मनी का निकलना शर्त नहीं। जनाबत के अहकाम। वजूब गुस्ल की हालत को हालत जनाबत कहते हैं। वजूब गुस्ल यानी जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उस हालत को जनाबत कहते हैं। जनाबत का लफ्ज़ जम से, जम पहलू को कहते हैं, बचना। मुदरजा ज़ैल चार हालतों में मुसलमान मर्द और औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। नंबर एक, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद, इसमें एहतलाम भी दाखिल है यानी कोई ऐसा ख्वाब आए या वैसे। नंबर दो, सोहबत के बाद यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद। नंबर तीन, हैज के बाद। नंबर चार, नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुसल वाजिब होता है। तो कोई गुसल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुसल वाजिब होता है। तो कोई गुसल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो। सिर्फ मनी खारिज होने से बात नहीं बल्कि जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद गुसल वाजिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम औरत की चार शाहों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुसल वाजिब हो गया अगर से मनी ना निकले। आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं और बहुत से मौजूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हैं। लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना ये भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि अंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज़ लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो सिर्फ खैर उसकी अपनी ज़ात तक नहीं रहती, बाज़ुकात दूसरों की भलाई का ज़रिया भी बन जाती। औरत को भी एहतलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। यानी हक बात और एक ज़रूरी बात जो है उसको वाज़े करना ज़रूरी होता है, और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको एहतलाम हो? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। इस पर हजरत उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ होता है, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। यानी एक प्यार की डांट थी, और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फर्क हो, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन उसमें जो असल चीज़ है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको रिलेट कर दिया जाए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। और एहतलाम जो है वो सोते वक्त होता है, यानी सोकर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे, खा कोई ख्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो, तो फिर गुसल करना ज़रूरी। मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतलाम की अलामत है, लिहाजा उन पर गुसल करना फ़र्ज हो जाता है। और अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाएं, यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं, तो गुसल फ़र्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, वो मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज़ सामने देखी ना जाए।
हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूँ? आपने फरमाया, उनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि 3 लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तू पाक हो जाएगी। यानी बालों की जड़ें भीगना, स्किन भीगना जरूरी है, सारे बाल खोलना जरूरी नहीं है। जुम्बी के बालों का मसला। हजरत आयशा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र औरतों को गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। फरमाने लगी, इब्ने अम्र पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हजरत आयशा की डांट थी। यानी वो ये तो कह रहे कि औरतें बाल खोल खोल के नहाएं, तो वो फिर सीधा यही कहें कि औरतें बाल मुंडवा लें? मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है, गुस्ल हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि वो महीने में एक दफा है। हजरत आयशा से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखिए कि दोनों चीजों में फर्क क्यों है, दोनों की नौयत फर्क है। और हैज जो है वो एक नजासत की कैफियत भी है ना, कुल हुवा अदा, तो उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना खासतौर पर उसका सारा हुक्म आता है, लेकिन गुस्ल जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं है। यानी हैज का खून और मनी जो है, इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है, ठीक है ना। बाज़ उलमा के ख्याल में जो मनी है इटसेल्फ वो नापाक चीज नहीं है, अगर किसी कपड़े वगैरह को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं, अगर उसको खुश्क होने पर खुर्च के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन खून हैज पर आप सलाह देंगे क्या फरमाया, चुटकियों से मलमल के उसको साफ करके धोए, तो इन दोनों में भी फर्क है। लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फर्क है, एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ल जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। बहुत सी बच्चियां ऐसी जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, या तो वे शर्म के मारे नहाती नहीं, या नहाती हैं तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीज़ों में इतना वक्त ज़ाया कर देती हैं कि फिर बाजू का शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन, लोगों का खौफ। तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मशक्क़तों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो उसमें क्या, सिर्फ 3 कप पानी, 3 लप पानी, यानी 3 दफ़ा, 3 दफ़ा, क्योंकि अगर 1 दफ़ा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा तो आप ये भी कर सकते टैप के आगे सर करके, तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर लें, पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल ना धोने पड़े, ना सुखाने पड़े और ना खुश करने पड़े, और बाकी जिस्म पे पानी बहा लें। दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को 1 दफ़ा करें, फिर उसके बाद दोबारा करें और 3री दफ़ा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डाल लें और बाकी जिस्म फिर धो लें। शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते, वो आपके सर पर टिक जाते हैं। तो सर की स्किन धोएं और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिस्म को अच्छी तरह धो लें। तो उसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा, और ये 3 दफ़ा करना होगा, 1 दफ़ा से नहीं काम चलेगा, 3 दफ़ा करना है ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क न रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतने कम देर में उनको खुश्क भी किया जा सकता है और किसी भी मशक्क़त के बगैर इंसान नमाज पढ़ सकता है।